स्कूल जाकर देखो सर, स्कूल जाकर देखो, स्कूल 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 बनाया 25 लाख में एक कमरा, 25 लाख मुझे दो, 4 कमरे बना के दिखाऊंगा, 25 लाख दो, 25 लाख दो, मैं 4 कमरे बनाऊंगा उस घर पास, उसके बोलो जाके। अरे उसको वो भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, लगातार चुनावी सर्वे हमारी टीम कर रही है, एक बार फिर दिल्ली में पहुंची है और दिल्ली में हमारे साथ कुछ ऑटो ड्राइवर हैं, तो पूछते हैं दिल्ली के दिल में अब की बार क्या, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी यहां पर सम लहराएगी। अंकल जी, ताऊ जी, राम राम। राम राम जी, ठीक हो? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अच्छा ये बताए अब की बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? केजरीवाल जी। केजरीवाल, हाँ जी। क्या खासियत है अजित केजरीवाल के? काम किया बाबू जी, काम किया। एनआरसी और सीए और जो शाहीनबाग जैसे मुद्दे हैं, क्या लगता है इनका इनका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हम अनपढ़ आदमी, हमें इसी का नहीं, अच्छा नहीं पता नहीं। आपको खासियत ये लगती है भी काम किया है? काम किया है, बहुत काम किया उसने, आना भी चाहिए। अच्छा इस वजह से, थैंक यू। क्या क्या नाम ताऊ जी? सरदार गुरचरण सिंह। सरदार गुरचंद, गुरचरण सिंह, गुरचरण सिंह, थैंक यू भाई साहब। राम राम। अरे भाई राम राम, बोलो बोलो। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या क्या नाम है? अरे अरे सरदार जी बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं। हाँ ये नहीं बोल रहे, क्या बात है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप? केजरीवाल बनेगा। केजरीवाल को? जी हाँ। क्या बात है, क्या खासियत है केजरीवाल में? भाई काम किया है, काम किया है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, राम राम। बस हमारा वही केजरीवाल। क्या नाम भाई? बेनी प्रसाद यादव। बेनी प्रसाद यादव जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? केजरीवाल जी बनेंगे। केजरीवाल, हाँ जी। अच्छा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी क्यों नहीं बनती, क्या बात है? अब वो उनका काम जाने, वो काम किए नहीं किए, काम करते तो अभी बनते। क्या करी क्या केजरीवाल ने ऐसा? आप कह रहे हो कि बहुत सही, स्कूल सही हुए, डॉक्टरी हॉस्पिटल सही हुए। अच्छा। रोड गलियां पक्की हुई, सब कुछ सर। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। क्या नाम भाई साहब आपका? हनुमान प्रसाद। हनुमान जी, क्या कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? केजरीवाल बनेगा। केजरीवाल, हाँ जी। अच्छा बीजेपी क्यों नहीं बन रही, क्या कारण है? केजरीवाल ने बहुत काम किया है। अच्छा ने नहीं किया? जितना पहली बार ऐसा सीएम मिला जो की बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल की, केजरीवाल को बना रहे हैं यहाँ पर ऑटो ड्राइवर। आप जिसमें तस्वीर लाइव आप ग्राउंड वीडियो के माध्यम से देखना चाहेंगे, कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाए चारों तरफ घुमा करके। इसमें ऑटो ड्राइवर हमसे बात कर रहे हैं। अंकल जी, राम राम। राम राम भाई, कैसे हो जी? बढ़िया। किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री अब की बार, क्या दिल्ली के दिल में? बीजेपी को। बीजेपी को बनाएंगे, क्या खासियत है बीजेपी में? ये कह रहे हैं सभी कि हम केजरीवाल को बनाएंगे। बीजेपी ने वो काम करा जो आज तक किसी ने नहीं करा। क्या किया ऐसा? 3 तलाक का मुकदमा जी, कश्मीर का वो जो है, और राम मंदिर का जो है, और 370 धारा हटाई जी, उसने आज तक कोई नहीं कर पाया, उसने वो काम करा है। बिल्कुल। एनआरसी और सीए और शाहीनबाग जैसी जो वारदातें सामने आ रही हैं, देश तोड़ने की बात कही जा रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? एनआरसी और सीए और शाहीनबाग जैसी जो वारदात है, आप इसका समर्थन करते हैं या क्या करते हैं? नहीं, एनआरसी आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम भाई साहब? तुफैल अहमद। तुफैल जी। अहमद जी, किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री दिल्ली का? केजरीवाल को जी। किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री अब की बार? बीजेपी को। बीजेपी को, क्या खासियत है बीजेपी के? बीजेपी में बहुत खासियत है, अब उसको जो बताने पूरी लंबी लंबी चिट्ठी है, पूरी लंबी किताब भर देंगे भाई, ऐसा कह रहे हैं कि बताने लगे तो पता नहीं कई साल लग जाएंगे भाई साहब। राम राम। राम राम भाई, किसको बनाएंगे भाई आपके बार मुख्यमंत्री? केजरीवाल। केजरीवाल, केजरीवाल। क्या क्या खासियत केजरीवाल के अंदर? भाई साहब काम किया है, लोगों को फ्री बांटा है। बिल्कुल फ्री बांटा है। एक भाई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाई साहब इधर आना जी, जो फ्री बांट सके। अच्छा फ्री बांटे, इसलिए फ्री का खाते हैं, मौज लेते हैं आप? भाई हमारा पैसा हमें दिया उसने। अच्छा तो क्या फ्री दिया ये बताओ मुझे? खत्म हो जाएगा उसका पैसा, हमें दिया हमारा पैसा, हमें दिया क्या फ्री दिया? ये फ्री का खा रहे हैं जो सरकार पहले थी, वो मंत्री हमारा पैसा खाते हैं। 130 करोड़ देता था पहले वाले, ये 290 करोड़ रुपया दिया है उसको। बहुत बढ़िया। तो खजाना क्या क्या आपको? वो पैसे चुरा लेते थे, काम कर रहा है, काम कर रहा है इस वजह से। बहुत बढ़िया। देखिए क्या माटा, क्या माटा, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप अबकी बार? बीजेपी। बीजेपी को। बीजेपी चाहिए। केजरीवाल को कह रहे हैं आप? इनको फ्री चाहिए, फ्री फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। क्या बड़ी अच्छी बात रही है? केजरीवाल, बीजेपी हमें टैक्स कब तक देंगे? ये फ्री कब तक देंगे? कह रहे हैं कि फ्री कब तक देंगे? कह रहे हैं कि फ्री कब तक? जब तक फ्री देगा वो, कब तक फ्री देंगे? जब तक सरकार चलाएंगे तब तक फ्री देंगे जी, जब तक दे जी। इनका कहना कि जब तक सरकार चलेगी तब तक ऐसा कुछ नहीं है, ये इलेक्शन के बाद में फिर देख लें कितना क्या फ्री देता है। पांच साल में क्या हुआ?
किस कर बैठी है, काम करने दे रही आप कृपया करके संयम और सहनशीलता का आप दायरा रखें। छह महीने से ही सारा काम ये कर रहा है, लेडीज को घुमाने के लिए भेज दिया। आप लाइव तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। इस समय दिल्ली के अंदर ऑटो ड्राइवर से हमने बातचीत की है, कोई कह रहा है कि केजरीवाल को बनाएंगे क्योंकि उन्होंने फ्री सुविधा दे रखी है, कोई कह रहा है कि बीजेपी को बनाएंगे क्योंकि कब तक केजरीवाल फ्री देंगे, कब तक मुफ्त में ऐसी सुविधाएं देंगे। तो दोनों की दोनों बातें हैं, आप ध्यान में रखिए, लोकतंत्र है, आप किसी को भी बनाए, ग्राउंड मीडिया के साथ बढ़े रहिए। ग्राउंड मीडिया इसी प्रकार से चुनावी सर्वे दिखाते रहेंगे हम। 6 महीने से जी जी कर दिया इन्होंने, 6 महीने जब से 5 साल से क्यों नहीं कराया इन्होंने, जब तक काम नहीं करने दे रहे थे। आप इधर आ जाइए, आप इधर काम नहीं करने दे रहा था जी, आप इधर आओ, काम करने दे रहा था जी। हां भाई जी जी, आप इधर आओ, 5 साल से पानी फ्री है, पानी इतना गंदा, 2 लीटर गंदा तो बीजेपी के हाथ में है ना। एमसी सुनो जी जी, बताओ सीएम कौन बनेगा? हां सीएम कौन बनेगा आपकी बात? दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, अच्छा किसी की ताकत नहीं रो सकती है जी। केजरीवाल ने क्या अपना बाप घर से दिया है फिर? जी जी, अपना बाप घर, सुनो सुनो, केजरीवाल का बाप का है, केजरीवाल का बाप का है जी जी। दिल्ली को पब्लिक को सिर्फ गुमराह, दिल्ली को पब्लिक को सिर्फ गुमराह किया है, ठीक है। आप बताइए पब्लिक किस लिए चुन के लेके आती है सरकार को कि सरकार एक अच्छा काम करी? ये कहां से मुद्दा है कि 3 महीने के लिए आपने पब्लिक को लॉलीपॉप दे रहे हो? बेकुल समझ रहे हो, ये कह रहे हैं कि 3 महीने तक पहले कहा थे, अभी लॉलीपॉप दे रहे हैं। स्कूल जाकर देखो सर, स्कूल जाकर देखो, स्कूल जाकर स्कूल स्कूल बनाया 25 लाख में एक कमरा, 25 लाख मुझे दो, 4 कमरे बना के दिखाऊंगा, 25 लाख दो, 25 लाख दो, मैं 4 कमरे बनाऊंगा उस घर पास, उसके बोलो जाके, अरे उसको वो भाई साहब लगे उसके अंदर, पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में। बिल्कुल, एक अंकल भी जुड़ चुका है मेरे साथ, आप लड़िए माता। अंकल जी कैसे हैं आप, कैसा स्वास्थ्य है आपका? बिल्कुल ठीक है। किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री आपके बाद दिल्ली का? भाई हम तो यही कहेंगे फिर केजरीवाल आना चाहिए, फिर केजरीवाल आना चाहिए। किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री आपकी बार? बाहर से आए, बाहर से। किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? बीजेपी, बीजेपी बनाएंगे। और कहना चाहता हूँ केजरीवाल के लिए, क्यों केजरीवाल के, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आज देखिए हम मिडिल क्लास के आदमी हर जगह पे, और लेडीज है मोटरसाइकिल वालों से लिफ्ट मांगती थी आने जाने के लिए, आज उसकी बदौलत कोई भी औरत किसी से लिफ्ट नहीं मांगती, धड़क से लाल पीली बस पकड़ती और काम पे जाती। बिल्कुल, महिलाओं की सुविधा के लिए केजरीवाल ने बस फ्री की है, इस वजह से केजरीवाल सरकार बनेगी, ऐसा कहना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? केजरीवाल। केजरीवाल बनेगा, क्यों बनेगा केजरीवाल? बता दिया भाई साहब ने, इसलिए कौन बनेगा? केजरीवाल। केजरीवाल तो आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के ऐसे चुनावी सर्वे देखने के लिए, चुनावी सर्वे इस प्रकार से ग्राउंड मीडिया दिखाते रहेंगे हम, चुनावी सर्वे लगातार हमारी टीम ऐसे ही ग्राउंड मीडिया की टीम 8 फरवरी तक आपके सामने लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली से मैं जब भारद्वाज, रोक दे भाई। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।